इलाहाबाद के YouTube चैनल पे मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ GS की श्रृंखला में बायोलॉजी के टर्म में एक टॉपिक ब्लड, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के परिदृश्य से, और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं और आज इसमें हम बात करेंगे आपके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं। ओके, जनरल साइंस, जिसमें कि हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जहां से आपके 90% क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ब्लड। ब्लड है क्या, हमको जानना चाहिए कि ब्लड है क्या, और हमारे शरीर में ब्लड को हम हिंदी में रुधिर बोलते हैं, हमारे शरीर में रुधिर की भूमिका क्या है। बात करेंगे हम रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, जो कि हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में रहता है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ये तरल रूप में हमारे शरीर में फ्लो करता है, तरल रूप में हमारे शरीर में फ्लो करता है। आगे देखेंगे, ब्लड गाढ़ा, चिपचिपा, स्वाद में क्षारीय और अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। ब्लड की प्रकृति कैसी है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, क्षारी और अपारदर्शी होता है। क्योंकि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, और ऊतक वे पदार्थ होते हैं जो कि रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं। ब्लड, जैसा कि हमने देखा, ब्लड को हिंदी में हम रुधिर बोलते हैं। रुधिर एक गाढ़ा, चिपचिपा, क्षारीय और अपारदर्शी पदार्थ है। इसकी प्रकृति क्षारी होती है, अर्थात इसका पीएच जो है ये 7.4, अर्थात ये प्रकृति में क्षारी होता है। और ब्लड अपारदर्शी, अर्थात ये जल से गाढ़ा होता है, ठीक। अब फ्रेंड्स, ब्लड के दो मुख्य घटक होते हैं, ब्लड के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि हम पहली बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा को हम हिंदी में प्लविका बोलते हैं, प्लविका, जो कि एक हल्का पीला रंग का पदार्थ है, जो कि रक्त में लगभग 55-60% तक होता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे, प्लाज्मा में 90-93% 90-93 जल होता है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रंग में ये हल्का सा पीला होता है, और इसमें प्रोटीन 6% होता है, जिसमें हम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक। और शेष एक प्रतिशत में इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक। तो दोस्तों, हमने इतना देखा, हम कह सकते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक, अगर हम बात करें ऊतक की, तो ऊतक वे पदार्थ होते हैं जो रचना, कार्य, उत्पत्ति में समान होते हैं, और ऊतक से ही हमारे ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और ऑर्गन से ही हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसलिए है क्योंकि ये शरीर में परिवहन, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, इसलिए हम इसे सर्कुलेटरी टिश्यू या परिवहन ऊतक भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमने बात की कि रक्त को हम परिवहन ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अब देखिए, ये जो रक्त है, ये शरीर में परिवहन के नाम पर गैसीय परिवहन, अर्थात आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन करता है और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ ही जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं,
उन भोज्य पदार्थों के पचने के बाद भी यह उनका परिवहन करता है। और क्योंकि हम एक यूरिकोटेलिक प्राणी हैं, क्योंकि हमारे यूरिन में क्योंकि मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है और हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, तो रक्त उसका भी परिवहन करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और गैसी परिवहन, ये तीनों कार्य कौन करता है? ब्लड। ठीक है, इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि रुधिर का मुख्य कार्य हमारे शरीर में परिसंचरण करना है। हम बात करते हैं परिसंचरण की, परिसंचरण होता क्या है? परिसंचरण, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन, अर्थात हमारी बॉडी में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, आना और जाना जो भी होता है उसको हम कहते हैं परिसंचरण। हमारे एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, उन्होंने ही हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, इसलिए हम जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा जो कि 55-60%, वाटर। प्लाज्मा में वाटर जो होता है वो 90-93%, और इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला, और इसमें प्रोटीन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीन लगभग 6%, और शेष 1% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि प्लाज्मा में प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ब्लड कणिकाएं और अन्य पदार्थ इसी में घुलते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे रक्त कणिकाओं पे। फ्रेंड्स, हमने बात की ब्लड के दो कंपोनेंट्स, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। हमने प्लाज्मा की बात करी, अब हम बात करेंगे ब्लड कार्पसल्स अर्थात रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं अर्थात ये रक्त के रूप में रवेदार संरचना है जिनके की तीन प्रकार होते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रकार की तो हम देखेंगे इसका पहला जो प्रकार है वो है RBC, जिनको हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाएं। इनका एक अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स ये जो RBC हैं, ये पूरे ब्लड में कणिकाओं का 90-99% अर्थात 90-99% होती हैं। और हम आगे बात करेंगे WBC, रक्त कणिकाओं का दूसरा प्रकार जो WBC है उसका एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स। और तीसरे प्रकार की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स। शायद आपको जानकारी होगी या नहीं, हम आपको बता दें प्लेटलेट्स अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स का होना मनुष्य की एक मुख्य विशेषता है। पूरे संसार में जैव जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, और अन्य किसी जंतु में प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात की कि समस्त कणिकाओं का 90-99% RBC और शेष 1-10% WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे रक्त का निर्माण कहाँ होता है और रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे। रक्त का निर्माण जो होता है वो मज्जा गुहा में होता है। मज्जा गुहा जिसे हम बोलते हैं मैरो कैविटी, अर्थात अगर कोई हम अस्थियों को जब तोड़ते हैं तो अस्थियों के अंदर एक तरल पदार्थ जो होता है उसे हम बोलते हैं मैरो अर्थात मज्जा। देखिए, हम बात करते हैं, चलिए हम एक संरचना बनाते हैं। अब हमने यहाँ संरचना बनाई जिसमें हम देखते हैं कि ये एक नली के आकार की संरचना, इसे हम अस्थि बोलते हैं, और इसमें एक कैनाल की संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं मज्जा गुहा। देखिएगा, हमने जो ब्लैक कलर से ये संरचना बनाई है और ऊपर और नीचे, इसे हम कहते हैं RBM अर्थात रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। ठीक फ्रेंड्स, ये लाल अस्थि मज्जा ऊपर और नीचे ये निर्माण करती है RBC का। किसका निर्माण करती है? RBC का। और ये शेष जो मैंने ब्लू रंग की संरचना बनाई है इसे हम बोलते हैं YBM अर्थात येलो बोन मैरो अर्थात पीत अस्थि मज्जा। ये पीत अस्थि मज्जा WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, हम फिर से बताते हैं आपको कि जो ये अंदर ये ब्लैक रंग की संरचना है ऊपर और नीचे, इसे हम बोलते हैं RBM अर्थात रेड बोन मैरो, ये निर्माण करती है RBC का। और जो बीच में संरचना है ब्लू कलर की, ये इसको बोलते हैं YBM
जो कि बोलते हैं YBM, येलो बोन मैरो, और ये निर्माण करती है WBC और प्लेटलेट्स का, और ये पूरी संरचना मिलकर के निर्माण करती है ब्लड का। अर्थात और एक चीज और, मनुष्य की बोन मैरो में एक विशेष संरचना होती है जिसे बोलते हैं हार्वेंसियल कैनाल, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हार्वेंसियल कैनाल का पाया जाना मनुष्य के रक्त की या मनुष्य के अस्थि में एक विशेष संरचना है। तो अब हम बात करेंगे RBC के कार्य की, कि RBC का कार्य क्या है। शायद यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मनुष्य के अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है, मनुष्य के अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है, और हम बात करेंगे आरबीसी के कार्य की। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो है परिवहन करना। अर्थात हमारे शरीर में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि थोड़ी मात्रा में होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है उसका है वो है गैसों का परिवहन करना। और फ्रेंड्स बता दें आपको कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी 40 से 45 लाख होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और इसकी मात्रा जो होती है वो 1 घन मिली ब्लड में 40 से 45 लाख होती है। देखा जाए तो आरबीसी का जो आकार होता है, शेप और साइज, आकार और आकृति, ये निश्चित होती है, निश्चित होती है, और इसको हम बाई कॉनकेव या उभयावतल कह सकते हैं। अर्थात ये उभरी हुई संरचना है। और फ्रेंड्स आरबीसी की जो एक विशिष्ट बात है वो है केंद्रक का ना पाया जाना। केंद्रक का ना होना आरबीसी की एक मुख्य बात है, लेकिन इसमें दो जीव अपवाद हैं, ऊंट और लामा। ऊंट को आप भली भांति जानते होंगे और लामा जो कि दक्षिण अमेरिकी देश का प्राणी है, इन दो जीवों में आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। और इसके लाल रंग का मुख्य कारण होना है एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो दोस्त इसमें दो चीजें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन, जो हीम आपका है वो एक पिगमेंट है जिसे हम कलर पिगमेंट बोलते हैं, और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिल करके हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो कि रक्त के लाल रंग होने का प्रमुख कारण है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग चटक लाल होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने बात करी रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाओं में हमने देखा आरबीसी, जिसका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन में होता है। कहां पे होता है? लीवर और स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लसिका लिम्फ नोड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो होता है भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण करता है। और शायद फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीसी का अंत भी कहाँ होता है? स्प्लीन में ही। इसलिए एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, तो हम बात करते हैं स्प्लीन जो है वो आरबीसी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने बात की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और ये उभयावतल संरचना है, और इनमें केंद्रक अनुपस्थित, जबकि ऊंट और लामा में हमने बात की कि केंद्रक की उपस्थिति होती है। अब आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे WBC, जो कि एक मुख्य संरचना WBC भी है, और इसका जीवन काल फ्रेंड्स 2 से 3 दिन, एक स्वस्थ मनुष्य में बेसिकली 12 से 13 दिन होना चाहिए, बट इसका जीवन काल सामान्य तरीके से 2 या 3 दिन होता है। और WBC का जो मुख्य कार्य है वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात हमारे शरीर की हानिकारक बैक्टीरिया से रक्षा करना होता है। ये रुधिर का 1% होता है, WBC रुधिर का 1% होता है, और WBC के 2 प्रकार होते हैं। पहला हम देखते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स जो कि रवेदार संरचना है, और इसे हम कणिका मय भी कह सकते हैं। दूसरी में हम बोलेंगे एग्रेन्यूलोसाइट्स, अर्थात ए लगा दिया हमने, अर्थात कणिका विहीन। हम बात करेंगे फ्रेंड्स ग्रेन्यूलोसाइट्स की, इसके 3 प्रकार होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है हम देख लेते हैं। बेसोफिल WBC की एक ऐसी संरचना है जिसकी मात्रा शरीर में 0.5%, आप कह सकते हैं 0 से 0.5%, कभी कभी नहीं भी होती। और एक सबसे बड़ी खास बात, बेसोफिल की मात्रा बढ़ने पर हमारे शरीर में एलर्जी के लक्षण, मैंने लिखा यहाँ पे एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे इओसिनोफिल्स,
अक्सर आपने देखा होगा कि मौसम बदलने पर हमको सर्दी जुकाम कोल्ड कफ हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है इओसिनोफिल पे, जिसे हम सामान्य भाषा में इसनोफिलिया कहते हैं। तो इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ने पर सेंसिटिविटी अर्थात शरीर में हमारे संवेदनशीलता अर्थात वायु उद्दीपनों के प्रति हम अपने आप को एडाप्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में सेंसिटिविटी हो जाती है। तीसरी हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स, जो कि WBC में सर्वाधिक होती है, और ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडी का निर्माण करती है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स, जो कि कणिका विहीन संरचना है, और इसके दो भाग होते हैं लिम्फोसाइट्स, इसीलिए कभी कभी WBC को लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स की हम अगर बात करें तो मोनोसाइट्स भ्रमणशील कोशिका संरचनाएं हैं जो कि शरीर में भ्रमण करती रहती हैं। अब आगे बात करेंगे हम फ्रेंड्स, WBC को हम रक्त का सिपाही कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में WBC ही रोगों से हमको बचाता है। और बात करेंगे WBC के निर्माण की, तो WBC का निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं WBC के कार्य हम देखेंगे। हम पहले बात करते हैं RBC की। आपको फिर से बता दें RBC का कार्य क्या है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करना, और WBC का जो कार्य है मुख्य रूप से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। और एक अंतिम कड़ी में हम देखेंगे प्लेटलेट्स, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में ही कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर की एक विशिष्ट संरचना है, और जैव जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और किसी भी जंतु में प्लेटलेट्स नहीं होती। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल देखा जाए तो 7 से 15 दिन, और इनका निर्माण भी RBC की तरह ही अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। ठीक फ्रेंड्स, और इनका जो मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। अगर एक सामान्य देखा जाए सामान्य रूप से, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त जमने की जो दर होती है वो 2 से 7 मिनट होती है, और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ आज देखा ब्लड की संरचना के बारे में, और हमने आपको बताया कि ब्लड की संरचना जो होती है प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से होती है। हमने देखा प्लाज्मा की संरचना, हमने आपको बताया कि RBC WBC प्लेटलेट्स कैसी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम के पर्पज से देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, RBC का अंत कहाँ होता है, स्प्लीन में, WBC को रक्त की भाषा में क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलेंगे रक्त का सिपाही, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, आगे भी हम आपको बराबर मोटिवेट करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अध्ययन एकेडमी के चैनल पर इस नंबर पर 9935857171 पर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे भी हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे जिनसे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। फ्रेंड्स, थैंक यू।